सिल पुलिस ने शनिवार की रात को प्रकरण दर्ज कर दो किशोरियों समेत 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया है, जबकि महिला सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने चोरों से चोरी का लाखों का माल जब्त किया है। वहीं पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि इस गिरोह के 3 आरोपी अभी भी फरार है, जिनकी जाँच पुलिस कर रही है। गिरफ्तार आरोपी अजय उर्फ अज्जू खापेकर टिमकी और प्राची गौर नवीन नगर पाड़ी निवासी है। अजय और उसके नाबालिग साथी को ताला तोड़कर चोरी करने में महारत हासिल है। 15 नवंबर 2020 को उन्होंने मोमिनपुरा स्थित सैफी नगर में डॉक्टर सिराज अंसारी के घर में चोरी की थी। घटना के दौरान डॉक्टर अंसारी घर में नहीं थी। वह परिवार के साथ रिश्तेदार की शादी में शामिल होने उत्तर प्रदेश गए हुए है। नौकरानी गुड्डूबाजी नामक महिला ने उन्हें प्रकरण की जानकारी दी। प्रकरण थाने पहुंचा। संदेह के आधार पर पुलिस ने अजय और नाबालिग को पकड़ा। उन्होंने डॉक्टर अंसारी के घर से 2,000 रुपए चोरी करने की बात कबूली। पूछताछ में उन्होंने तहसील थाना क्षेत्र में 11, रेलवे पुलिस की हद में 3, गणेशपेट में 2, शांतिनगर और लखड़गंज थाने की हद में 1-1 चोरी की वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली। चोरी का माल वह प्राची को बेचते थे। पुलिस ने प्राची को भी गिरफ्तार किया। प्राची ने बताया कि वह अज्जू और उसके साथी से चोरी माल खरीदने के अलावा चोरी करने वाली 2 और किशोरियां उसके संपर्क में हैं, जो भीड़भाड़ में जाकर महिलाओं की पर्स, मोबाइल और अन्य कीमती माल उड़ाती है। उनसे भी वह चोरी का माल खरीदती थी। किशोरियों को भी पकड़ कर थाने लाया गया। इससे प्रारंभिक तौर पर यह कायस लगाया जा रहा है कि यह चोर गिरोह को कहीं प्राची तो संचालित नहीं कर रही थी। प्राची का पति सतीश गौर भी आपराधिक प्रवृत्ति का है। उसने 2.5-3 वर्ष पहले तहसील थाने की हद में हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। वर्तमान में सतीश जेल में होने का पता चला है। माना जा रहा है कि पति जेल जाने के बाद अपना उदार निर्वाह के लिए प्राची गिरोह संचालित कर रही थी। उपायुक्त लोहित मतानी, निरीक्षक जयेश भंडारकर के मार्गदर्शन में उप निरीक्षक स्वप्निल वाघ, उप निरीक्षक राठौड़, ताराचंद्र बघेल, अजय सिंह ठाकुर, लक्ष्मण शेंडे, प्रमोद शनिवारे, रविन्द्र पाटिल आदि ने कार्रवाई में हिस्सा लिया है। आज दिवसीय तहसील थाना अंतर्गत एक घरफोड़ी गुन्हे तपास मध्य एक घरफोड़ी गैंग की तपास है। 5 आरोपी अटक झालेले आहेत आणि 3 आरोपी फरार आहे। त्यांनी तहसील पोलीस स्टेशन, लखड़गंज पोलीस स्टेशन, गणेशपेठ पोलीस स्टेशन आणि नागपूर रेल्वेमध्ये एकूण मिळून 18 घरफोरी अटक झालेली आहे आणि त्यामध्ये 11 लाखचा मुद्देमाल जप्त झालेला आहे। या कारवाईमध्ये जे अधिकारी आणि कर्मचारी ज्यांची भागीदारी होती त्यांचं नाव वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक जयेश भंडेकर आहे, PSI वाघ आहे, PSI श्री राठौड़ आहे, ASI श्री बघेल आहे, हेड कॉन्स्टेबल ठाकुर, हेड कॉन्स्टेबल शेंडे, हेड कॉन्स्टेबल शनिवारे, हेड कॉन्स्टेबल दबोले, NPC गरवारे, कॉन्स्टेबल डबरे, कॉन्स्टेबल शेख, कॉन्स्टेबल डोंगरे, कॉन्स्टेबल यादव, कॉन्स्टेबल अंबादे, हेड कॉन्स्टेबल बोकाडे, हेड कॉन्स्टेबल पाटिल आणि महिला पुलिस कॉन्स्टेबल अश्विनी या सगळ्या लोकांनी यामध्ये त्यांची भागीदारी आहे आणि त्यांनी उत्कृष्ट कामगिरी केलेली आहे।